स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपालीज़ किचन में। आज हम बनाएंगे आलू की मसाला पूरियां, जिसको बनाना काफ़ी आसान है और खाने में भी ये पूरियां काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। मसाला पूरियां बनाने के लिए यहाँ पर हमने पहले 2 कप जितना आटा लिया है, उसके अंदर हम 2 उबले हुए आलू जो कि मैंने ग्रेट कर लिए थे उनको डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1.5 चम्मच जितना नमक ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 ही चम्मच इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर हम अजवाइन डालेंगे और काफ़ी सारा इसके अंदर हम धनिया पत्ता डाल देंगे। अब 3 चम्मच जितना इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। अब 1/4 छोटा चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे हम पूरी का आटा गूंथते हैं एकदम टाइट डो वो तैयार करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक टाइट डो बनाकर रख लेंगे। हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब 20 मिनट बाद जो हमारा आटा है वो सही से सेट हो चुका है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम पूरी के लिए लोइयां तैयार करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इसको अच्छे से अपनी हथेली की मदद से गोल करते हुए इसकी लोइयां बना लेंगे। आपको जिस साइज़ की पूरी पसंद हो आप उस हिसाब से बनाएं, थोड़ी छोटी थोड़ी सी बड़ी। यहाँ मैंने सारी लोइयाँ हैं वो बनाकर रख ली हैं। अब हम पूड़ी बनाएंगे। पूड़ी बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इसको पूड़ी के शेप में अच्छे से बेल लेंगे। इस तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब एक एक करके इसके अंदर हम पूड़ी डालेंगे और अच्छे से इनको तल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो पूड़ी बनाते हुए हमारा जो तेल है वो एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी सारी पूड़ियों को अच्छे से तल कर रख लेंगे और फिर इनको हम सर्व करेंगे। तैयार है हमारी गर्मा गर्म आलू की मसाला पूरियां। तो देखा आपने कि इस रेसिपी को बनाना कितना आसान था और आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।